नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसके साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा एक प्लान बनाया था हमने। ये प्लान जो है कस्टमर के लिए बनाया था, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। तो ये प्लान में जो है दो तो ये प्लान जो है पूरा रेंट के हिसाब से बनाया गया था, मतलब किराए के हिसाब से देने के लिए ही बनाया गया था। अब यह जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से हमने यह पूरा प्लान बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट का जो फ्रंट है 30 फीट है, मतलब 30 फीट का फ्रंट है। उसके बाद में यहाँ पर रोड है, एक ही रोड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इस साइड में 8 फीट 2 इंच की जगह छोड़ी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्किंग के लिए जगह है, मतलब 8 फीट 2 इंच बाय 20 फीट का यह पूरा पार्किंग के लिए जगह मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा, यहाँ से एंट्री करेंगे तो पार्किंग के लिए स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर हमें 4 फीट 8 इंच का पैसेज मिलता है, ये जो पैसेज है इस वरंडे पर एंट्री कर सकते हैं। अब ये जो वरंडा है यहाँ पर 3.5 फीट का बताया है, लेकिन ये वरंडा अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा आप फ्रंट्स में बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस है, मतलब ये वरंडा का साइज़ जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा और ये स्टेप जो है यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक स्टेप आने के बाद हमें पार्किंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कार जो हमारी सीधी चल जाएगी और ये स्टेप जो है बीच में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं और ये वरंडा का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अब ये स्टेप कहाँ तक जा सकती है ये आपके प्लिंथ के हाइट के ऊपर डिपेंड है, आप प्लिंथ कितना लेते हैं, लेकिन रेगुलर जो है प्लिंथ जो है हम 3 फीट का लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेन डोर बताया गया है, यहाँ पर एक फैमिली हमारे रेंट के हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिविंग रूम दिया गया है 10 फीट बाय 8 फीट 6 इंच का, मतलब 8 फीट 6 इंच इसका विड्थ है और 10 फीट जो इसका लेंथ है, और दो विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर आने के बाद इस लॉबी है, यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 4 फीट बाय 6 फीट 6 इंच का, इसको वेंटिलेटर इस साइड में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक बेडरूम बताया है 10 फीट बाय 10 फीट का। अब ये जो है रेंट के हिसाब से है, मतलब किराए के हिसाब से है, तो रूम का साइज़ जो है काफ़ी बढ़िया दिया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर 6 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 8 इंच का ये पूरा पैसेज मिल रहा है, यहाँ से हम इस साइड में जा सकते हैं हमारी किचन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा किचन दिया गया है, और किचन में यहाँ पर एक 3 फीट बाय 3 फीट का एक छोटा सा पूजा रूम एडजस्ट किया है। अब किचन का साइज़ जो हमें मिलता है 10 फीट बाय 8 फीट का, और किचन को एक बड़ा सा विंडो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा 1 BHK प्लान बनाया गया है, एक हॉल, एक किचन, एक बेडरूम और यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया गया है। तो ये जो है यहाँ पर एक फैमिली रहेगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं देखिए, यहाँ पर हमने स्टेयर दिया है, तो जैसे हम कार पार्क करेंगे तो इस साइड में आ सकते हैं, यहाँ पर ये स्टेप चढ़ के यहाँ पर इस ओटे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सीढ़ी स्टार्ट किया है, यहाँ पर हमारी एक लैंडिंग रहेगी 3 फीट बाय 3 फीट की। उसके बाद में फिर से स्टेयर स्टार्ट होता है, यहाँ पर फिर से एक लैंडिंग रहेगी और उसके बाद में फिर से स्टेयर स्टार्ट हो रही है और हम यहाँ पर इस छत पर पहुँच जाएंगे। अब ये जो छत है यहाँ पर आपके हिसाब से आप छत ले सकते हैं, यहाँ पर कम से कम हमें 3 फीट का छत लेना पड़ेगा इस दीवार के फ्रंट में। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी एंट्री हो सकती है और ये 3 फीट जो हमें पैसेज मिल रहा है, तो यहाँ से इस साइड में आ सकते हैं। अगर ऊपर का फ्लोर आप सेम रखते हैं तो ये जो फैमिली आएगी ऊपर, जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ये जो फैमिली रहेगी वो जो है ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पर एंट्री करेंगे और इस साइड में आकर इस साइड से एंट्री कर सकती है, और यहाँ पर ये हॉल और किचन और बेडरूम यूज़ कर सकती है। मतलब एक फैमिली जो है इसका जो आना जाना रहेगा इस साइड से रहेगा, और दूसरी जो फैमिली रहेगी वो पीछे के साइड में हमने दी है, वो नीचे से आ जाएगी और यहाँ पर उसकी एंट्री हो सकती है और पीछे के साइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसे जो हमें यहाँ पर जो छत डालना है, हमें यहाँ पर तो हमारा पूरा पोच रहेगा, लेकिन यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो है हम 3 फीट मिनिमम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ही हमें डालना पड़ेगा, लगभग 5 या 6 फीट भी डाल सकते हैं या तो फिर यहाँ तक भी डाल सकते हैं, लेकिन इस साइड में डालते हैं तो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इस साइड में हमारा जगह नहीं है। अगर आपके प्लॉट में इस साइड में जगह है तो आप बिल्कुल यहाँ पर भी छत डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेयरकेस जो है स्टेयरकेस के नीचे एक का पोर्शन जो है हमको यूज़ करने को मिल सकता है, अगर आप चाहें तो छोटा सा टॉयलेट भी इस साइड में बना सकते हैं स्टेयरकेस के नीचे, या तो फिर ये जो पूरा स्टोर स्टेयरकेस के नीचे का जो पोर्शन है या कुछ सामान स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखिए दूसरी फैमिली की तरफ, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन गेट से हमने एंट्री की थी, यहाँ पर हमारी एक फैमिली रहेगी, अब दूसरी फैमिली जो है इस साइड में रहेगी, तो ये जो है इस साइड में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा 8 फीट 2 इंच का पूरा पैसेज मिलता है हमें इस साइड में आने के लिए, तो हम पीछे के साइड में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक वरांडा दिया है, ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हमारे लिविंग रूम में।
देखिए लिविंग रूम का साइज जो दिया गया है लगभग 13 फीट 4 इंच बाय 17 फीट 8 इंच का दिया है, मतलब लिविंग कम डाइनिंग दिया गया है। यहाँ पर हमारा लिविंग रूम रहेगा और यहाँ पर हमारा पूरा डाइनिंग का एरिया रहेगा। तो डाइनिंग का एरिया जो है लगभग 8 फीट 6 इंच का यहाँ पर मिलता है, और लेंथ में आप देख सकते हैं पूरा पूरा 17 फीट 8 इंच मतलब 17 फीट 8 इंच का हॉल है। यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम दिया है 3.5 फीट बाय 4 फीट का। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं ये इस साइड में आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा एक बेडरूम है 8.5 फीट बाय 12 फीट का। अब इसका जो है कॉलम पोजीशन भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसमें आपको टेंटेटिव कॉलम पोजीशन हमने बताया है। 8.5 फीट बाय 12 फीट का यह पूरा बेडरूम दिया गया है, यहाँ पर एक विंडो दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम दिया गया है लगभग 10 फीट बाय 12 फीट का, जिसमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है और यहाँ पर ड्रेसिंग दिया है। इसको यहाँ पर एक वेंटिलेटर रहेगा और यहाँ पर ये जो बेडरूम है इसको यहाँ पर विंडो रहेगा, क्योंकि इस साइड में भी लगभग 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है। अब ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर ऑफसेट छोड़ा गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है जो अटैच रहेगा 10 फीट बाय 4 फीट का, मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिल सकता है। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर हमने किचन दिया है 10 फीट बाय 9 फीट का। तो ये जो किचन है ये वास्तु के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये प्लान जो है हमारा ये प्लॉट जो है वेस्ट फेसिंग है, मतलब पश्चिम की दिशा वाला है। यहाँ पर पीछे साइड में भी कस्टमर की जगह थी, तो यहाँ पर पूरा पीछे साइड में वॉश एरिया दिया गया है लगभग 12 फीट 5 इंच बाय 4 फीट का, और पीछे साइड में पूरा स्पेस ओपन था इसलिए यहाँ पर एक विंडो लगा दिया है लिविंग रूम के लिए। आप देख सकते हैं इस साइड में कंटिन्यू किया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा गेट लगा देंगे और पीछे की साइड जो है गार्डन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 फैमिलीज यहाँ पर हमने बिठाई है। अब इसका कॉलम पोजीशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 फैमिलीज जो है यहाँ पर फ्रंट साइड में एक 1 BHK के हिसाब से एक फैमिली रहेगी, और दूसरी जो फैमिली रहेगी जो पीछे साइड में रहेगी वो 2 BHK के हिसाब से रह सकती है। मतलब आप देख सकते हैं इसमें 2 बेडरूम एडजस्ट किए गए हैं और किचन और अटैच वाला बाथरूम भी दिया गया है। तो अब इसका जो है कॉलम पोजीशन किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में पूरा जो है मैं ये प्लान भी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, ताकि इसका स्क्रीनशॉट आप देख सके और इससे आप कुछ सीख सके। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम पोजीशन हमने देने की कोशिश की है। ये जो कॉलम पोजीशन है ये टेंटेटिव कॉलम पोजीशन है, इसमें हमने कॉलम का परफेक्ट साइज़ नहीं बताया है, क्योंकि कॉलम का साइज़ जो है डिपेंड रहता है कि आपको कितने फ्लोर ऊपर जाना है उसके हिसाब से ये कॉलम का साइज़ तय होता है। तो यहाँ पर हमने खाली कॉलम पोजीशन जो है दिया है वो टेंटेटिव कॉलम पोजीशन दिया है, मतलब कॉलम का सिर्फ पोजीशन ही दिया है। आप देख सकते हैं ये आराम से देख लीजिए, ये पूरा कॉलम का पोजीशन हमने दिया है। अब यहाँ पर जो पार्किंग रहेगा इसके हिसाब से इस साइड में हमको 2 कॉलम लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इस साइड से यहाँ पर भी ले सकते हैं या तो फिर इस साइड में यहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके बाद में इसके साइड में भी एक कॉलम आपको लेना पड़ेगा पार्किंग के लिए। और इस साइड में जो पैसेज रहता है ये लगभग 4 से 5 फीट हम कैंटिलीवर निकाल सकते हैं, या तो आपको पूरा स्लैब डालना है तो इस साइड में आपको कॉलम देना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने पूरे कॉलम जो बताया है ये पूरे घर के अंदर ही बताया है। तो इसको जो है आपको इस प्लान को रोटेट करके बताता हूँ, ताकि जो है आपको पूरा प्लान जो है क्लियर नज़र आए, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे इस प्लान से कुछ सीख भी सकते हैं। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो, ये जो प्लान है किसी को पसंद आ सकता है, या तो इस प्लान से बहुत कुछ आइडियाज़ आ सकती है। तो ये पूरा रेंट के हिसाब से मतलब किराए के हिसाब से प्लान बनाया गया था। तो आशा करते हुए आपका आज का ये जो प्लान है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।